शिवपुरी में नगर पालिका चुनाव से पहले खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया के शहर में लगातार दौरे चर्चा का विषय बने हुए हैं। आगामी कुछ महीनों में कभी भी शिवपुरी नगर पालिका अध्यक्ष और पार्षद के चुनाव हो सकते हैं। इन नगरीय निकाय चुनाव से पहले खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया लगातार सप्ताह या 15 दिन में शहर में अपने दौरे कर रही हैं। इनमें कभी किसी सड़क का भूमि पूजन तो कभी शहर में बनाई जा रही थीम रोड के निर्माण पर वह मॉनिटरिंग कर रही हैं। गुरुवार को भी अपने दौरे के दौरान खेल मंत्री ने शहर के विभिन्न वार्डो में नई बनाई जाने वाली सड़कों का भूमि पूजन किया और थीम रोड के निर्माण कार्य का निरीक्षण भी किया। रोड जो आज जिसकी भूमि पूजन होने वाली है, वो मैं आप सबको बताना चाह रही हूँ कि जितने जल्दी में ये जो नगर पालिका अध्यक्ष का काम होता था, जो 5 साल हुआ नहीं, लगातार कोविड की वजह से, हमारे लॉकडाउन की वजह से हम नहीं कर पाए, पर अभी हमारे पास एक छोटी सी खिड़की है जिसमें हम ये सब काम कर सकते हैं। इलेक्शन के पहले, ये इलेक्शन का कोई ना सोचे कि ये इलेक्शन में कोई सबूत है कि हम इलेक्शन जीतना चाह रहे हैं या कुछ और, ये वो चीज नहीं है। ये है कि आपका काम ठीक हो, रोड में कोई वसूली नहीं हो, अच्छे से रोड बने और जितने जल्दी बने, हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ है, ऐसी बेहतर हमें एडमिनिस्ट्रेशन मिलने वाली नहीं है। जब मैंने उनको कहा कि हमारे पास कम से कम 150 रोड नगर पालिका के हैं और हमें ये कंप्लीट करने हैं जितने जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि नगर पालिका इलेक्शन के बाद फिर ऐसी ऐसी चीजें आ जाती है बीच में जहाँ आपके रोड कभी कम्प्लीट नहीं होते। तो हम अपने कंधों पर ये लेना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि अगर दृढ़ संकल्प है तो ये चीजें सब कंप्लीट हो जाती हैं। जैसे अब थीम रोड की बात चल रही है, थीम रोड में भी लोग मुझे कहते थे अरे नहीं होने वाला, पैसे ही नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अभी तक ऐसे भी पत्रकार हैं जो कहते हैं कि पैसे नहीं है और काम ठप है। मैं उन सबको कहना चाहती हूँ कि जब तक मैं हूँ कोई काम ठप नहीं होगा। शिवपुरी से EMH TV के लिए रंजीत गुप्ता की रिपोर्ट।